हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू, सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से टैपेट की सेटिंग करके दिखाने वाले हैं। गाड़ी चलने में ये दब रही है, दबने के कारण इसका टैपेट को चेक करेंगे और टैपेट को मिलाएंगे। टैपेट की सेटिंग के बाद इसके दोनों प्लग को भी चेक करेंगे। वैसे इस वीडियो में हम टैपेट सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। जिस गाड़ी का हम टैपेट सेटिंग करने वाले हैं, यह टाटा एस सीएनजी है। तो आइए चलिए टैपेट की सेटिंग करते हैं। टैपेट को सेट करने के लिए पहले इन 10 नंबर वाले नट को खोल के एक एक करके इन सारे नट को बाहर निकालेंगे। नट को बाहर निकाल कर टैपेट कवर को बाहर निकाल लेंगे। टैपेट के टाइम मिलाने के लिए इंजन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमा के फ्लाईव्हील में 10 mm के बोल्ट को डाल के फ्लाईव्हील को लॉक करेंगे ताकि हमारा टैपेट पोजीशन आ सके। फ्लाईव्हील में 10 mm का बोल्ट को लगा दिया है। अब इंजन को क्लॉकवाइज घुमा के इस लॉक को इसमें सेट करेंगे। इंजन घुमाने के बाद हमारा ये टाइमिंग लॉक हो गया फ्लाईव्हील का। अब देखते हैं कौन सा टैपेट का पोजीशन आया हुआ है। पहला टैपेट, दूसरा टैपेट और तीसरा टैपेट। एक बार टैंक मिलाने के बाद हमारा 3 टैपेट आ चुका है। अब इन तीनों टैपेट को हम अडजस्ट करेंगे फिलर गेज की मदद से। दोस्तों, टैपेट की पोजीशन है 2 इनटेक और 1 एग्जॉस्ट। 1 नंबर टैपेट और 3 नंबर टैपेट इनटेक और 2 नंबर टैपेट एग्जॉस्ट। इन टैपेट को अडजस्ट करने के लिए इनका क्लियरेंस देंगे फिलर गेज का 0.20 और एग्जॉस्ट का 0.30। दोस्तों, हम इंजन के पहले राउंड में 3 टैपेट को एडजस्ट करेंगे। पहला टैपेट, दूसरा टैपेट और तीसरा टैपेट को। पहला टैपेट इनटेक हमारा हो चुका है। अब दूसरे टैपेट एग्जॉस्ट को सेट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे टैपेट इनटेक को सेट करेंगे। दूसरे नंबर का टैपेट सेट हो चुका है। अब तीसरे नंबर टैपेट इनटेक को सेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट राउंड का ये 3 टैपेट सेट हो चुका है। आगे से पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 टैपेट फर्स्ट राउंड के एडजस्ट हो चुके हैं। तीनों टैपेट हमारे सेट हो चुके हैं, पहला टैपेट, दूसरा टैपेट और तीसरा टैपेट। अब इस चौथे टैपेट को मिलाने के लिए हमें इंजन को दूसरे राउंड के लिए घुमाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज इंजन को घुमा के टाइमिंग को लॉक करेंगे फ्लाईव्हील को। उसके बाद चौथे नंबर टैपेट को सेट करेंगे। दूसरे राउंड में इंजन को घुमा के फ्लाईव्हील को लॉक करेंगे। फ्लाईव्हील को लॉक करने के बाद ये 4 नंबर का एग्जॉस्ट टैपेट, उसको भी सेट करेंगे। दोस्तों, ये 4 नंबर का टैपेट है एग्जॉस्ट का, इस टैपेट को भी सेट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा टैपेट का काम पूरा हुआ। चारों टैपेट हमारे मिल चुके हैं, 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट, सारे टैपेट मिल चुके हैं। अब टैपेट कवर को धुलाई करके टैपेट कवर की फिटिंग करेंगे। टैपेट कवर की अच्छे से धुलाई करके अब इस टैपेट कवर को हेड के ऊपर फिटिंग करेंगे। टैपेट कवर हमारा धुल चुका है। अब टैपेट कवर की फिटिंग की बारी है। टैपेट कवर को रख के इन सारे 10 mm के बोल्ट को कस देंगे। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और चैनल के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा टैबलेट सेटिंग का काम पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।